संयुक्त मोर्चा उम्मीदवार अब्दुल मन्ना ने भाजपा को डकैत और तृणमूल को चोर बताया। हुगली चापदनी विधानसभा क्षेत्र से संयुक्त मोर्चा उम्मीदवार अब्दुल मन्ना ने स्वराज एक्सप्रेस की टीम को एक विशेष साक्षात्कार के दौरान बताया कि खेला होबे और परिवर्तन का झूठा नारा देकर जनता को भ्रमित किया जा रहा है। नेता को जनता के काम से सरोकार रखना चाहिए। उन्होंने भाजपा को डकैत और तृणमूल कांग्रेस को चोर का दल करार देते हुए कहा कि इन झूठे और जुमलेबाजों की वजह से आज जनता त्रस्त है। आज इन्हीं झूठे और जुमलेबाजों के कारण देश में तेजी से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि चापदनी की जनता एक बार फिर उन्हें भारी बहुमत के साथ विजयी बनाएगी। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। सुबह से सभी बूथों में आपको घूमते देखा गया, कैसा पोलिंग चल रही है इस बार इलेक्शन में? पोलिंग कहीं कहीं स्लो चल रहा है, कहीं ठीक से चल रहा है, कहीं स्पीड चल रहा है, सर सब जगह बराबर नहीं है। क्योंकि वोटर अभी वोट देने के लिए कोई बाधा नहीं है। अभी तक 11:30 बज गया, अभी तक इसकी वोटिंग है। कोई जगह मेरा पोलिंग एजेंट को नहीं बताया, इसलिए हमारा पोलिंग एजेंट सभी जगह है। बाहर में कई कैंपस ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि वो लोग जितना म्यूनसिपैलिट के स्टाफ को लेकर सब बैठा दिया, और ICDS को, सिविल वॉलंटियर्स को, जितना जितना सब लोग है उनको सब पैसा दे के सब बैठा दिया। हम तो उतना पैसा नहीं है, लेकिन काम करने से अरे जो पैसा रहे तो उतना पैसा खर्च करें, लेकिन हमारा जो वोटर जो है वोटर सब। इस बार जो इलेक्शन कमीशन ने स्टेप ली है, इससे क्या लग रहा है, साधारण मानस वोट दे पा रहे हैं? अभी तक हमारा कॉन्स्टिट्यूंस में साधारण मानस वोट दे सकता है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूंस में क्या होगा मुझे मालूम है। मेरा कॉन्स्टिट्यूंस में अभी तक लोग वोट दे रहे हैं, जहाँ 6:30 बजे तक वोट होगा, कितना होगा क्या होगा तो मालूम नहीं, लेकिन अभी 11:30 बजे तक 4-4.5 घंटा हो गया, अभी तक वोट ठीक से चल रहे हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में एक तरफ खेला होवे और एक तरफ परिवर्तन का नारा गूंज रहा था, आप क्या कहेंगे? जो पागल है वो नॉन पॉलिटिकल स्लोगन दे रहे हैं, हम लोग तो पागल नहीं है। वोट होता है जनता के अच्छे के लिए, जनता के कैसा समस्या का समाधान करेगा इसी को चर्चा पर होता है। अभी जनता का जो समस्या है, अनाज का दाम बढ़ गया, रसोई तेल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, केरोसिन का दाम बढ़ गया, देखा बेरोजगारी बढ़ गया। जनता ने देखा 15 लाख रुपया सब दो अकाउंट में दे देगा बोला था, लेकिन अभी तक किसी को नहीं अकाउंट में मिला। धोखाबाजी क्या जनता को बेकूफ बनाया, जनता को जो ये सरकार जो पैसा देता है, सरकारी जो रक्त होता है वो देख के हम लोग काठमांडू देख के सब बर्बाद कर देता है। आम जनता के पास पैसा नहीं पहुँचता है, सभी अपना पॉकेट में जाता है, चाहे तृणमूल हो और बीजेपी, तो बड़ा डकैत है, ये तो चोर है, छोटा चोर है, वो बड़ा डकैत है। वो कहता है सब बैंक के टका रुपया लूट कर लेता है, सब लोग मेहूल चौकसी, ललित मोदी, सबको सब दे रहा जैसा, ये सब लोग लूट रहे हैं। तो लोगों ने इस पर चर्चा नहीं होता है, हम लोग ये चर्चा देना चाहिए आप लोग को बेरोजगारी कैसे हटाएगा, हम लोग को नौकरी देगा, ये तो हम लोग को बोलना चाहिए था, लेकिन वो लोग ये नहीं बोल चर्चा करता है। वो लोग ये कहता है कि हम लोग खेला हुए, ये क्या है खेला, क्या खेला है, जनता का भला कैसे होगा, ये लोग ये चर्चा नहीं करता। इसीलिए जनता ने ये सोच लिया कि दोनों पागल को हटाओ, ये संयुक्त मोर्चा को लाओ, ये जनता का तय कर लिया जनता। इसीलिए बंगाल में इस बार संयुक्त मोर्चा का सरकार बनाएगी। 5 साल तक आप विधायक रह चुके हैं चापदानी विधान, 2019 से चापदानी विधानसभा क्षेत्र से 4 बार पहले थे, एक बार नॉमिनेशन नहीं मिला, तो क्या है तो इस बार क्या लगता है कि इस बार भी जनता आप? जनता तो अभी नाराज नहीं है, हम तो इस बार खड़े होने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि मेरा दो तो टांग का प्रश्न हुआ, इसमें का बेटा सत्ता के पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने मुझ पर हमला चला विधानसभा के सदन में, हम तो मर गए थे, इतना ऊपर वाला ने अल्लाह ने मुझे बचा दिया, तो इसीलिए मैंने बच गया, नहीं तो इसी टाइम मर जाता। तो इसी समय मेरा तबीयत तो फिजिकली आई एम नॉट सो फिट, दैट वाज आई टोल्ड द पीपल दैट आई एम नॉट कॉन्टेस्ट, द पीपल फोर्स मी, सो मेरी लीडर फोर्स मी टू कॉन्टेस्ट, दैट्स व्हाई आई एम कॉन्टेस्टिंग। जनता ने मुझे अच्छा भाला मस्त मुझे पसंद करता है, मुझे प्यार देता है, मैं भी उनके साथ देकर धोखाबाजी नहीं करता, मैं उनके साथ कभी बेकूफ नहीं बनाता, ये लोग मुझे विश्वास करते हैं,
इसी दिन लोग देखता है हम बैचलर है कभी शादी नहीं किया अकेला है। स्वराज एक्सप्रेस से जुड़ी पल पल की खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सबसे पहले हमारी न्यूज देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।